इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेक्निकल ऑप्शन एंड बी एस एड जोन क्या होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली टेक्निकल लेवल्स, ऑप्शन लेवल्स एंड बी एस एड जोन ये आपको मदद करेगा कि कैसे ट्रेड्स आपको इनिशिएट करने क्या अपकमिंग रेजिस्टेंस है क्या अपकमिंग सपोर्ट है एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए तो यहाँ लिमिटेड का चार्ट ओपन किया है मोस्ट अगर आपको आपको टेक्निकल लेवल्स चेक करने करने तो टेक्निकल्स के के पे जो है उस टिक टिक मार्क मार्क करना होगा करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल्स प्लॉट हो चुके हैं तो ये सारे जो लेवल्स आप देखते हो चार्ट पे ये बेसिकली बिफोर द मार्केट स्टार्ट आपको मिल जाते हैं आपके ट्रेड ट्रेडलू के चार्ट पे तो बिफोर द मार्केट आर्स ही आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे अपकमिंग रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए तो तो जैसे आप देख सकते हो जी लिमिटेड का डीआरडब्ल्यू आर तो टेक्निकल लेवल्स के बेसिकली टाइप समझने सिंपल है तो यहां पे आप देख सकते हो कौन से कौन से लेवल्स आपको मिल जाते हैं टेक्निकल्स के अंदर तो होता है आपका डीआरडीएस जो होता है डेली रेजिस्टेंस एंड डेली सपोर्ट फिर आता है आपका डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू एस जो होता है आपका वीकली रेजिस्टेंस एंड वीकली सपोर्ट फिर आता है आपका मंथली रेजिस्टेंस एंड मंथली सपोर्ट दैट इज एम आर एंड एम एस तो ये जो मंथली लेवल्स है वो आपके मंथ ऑन मंथ अपडेट होते हैं वीकली लेवल्स बेसिकली एवरी मंडे अपडेट हो गए और डेली लेवल्स आपके डेली अपडेट हो जाएंगे तो ये जो लेवल्स है आपको बिफोर द मार्केट आर्स ही आपके चार्ट पे मिल जाएंगे नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल होता है डी जो आपका होता है डेली एवरेज टू रेंज तो हर एक स्टॉक की एक लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो बेसिकली स्टॉक जाएगा तो ये हाई प्रोबेबल लिमिट होती है जहां पे एक एवरेज लिमिट प्लॉट की जाती है आपके चार्ट पे मोस्ट टेंट और एक लेवल है जो आपका टेक्निकल के अंडर आता है वो होता है आपका बी एस एल लेवल तो बी एस एल लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बी एस एल लेवल से आपको समझेगा कि कहाँ पे हाइएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट है तो अगर मैं रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे जेएसडब्ल्यू का चार्ट ओपन किया तो आप देख सकते हो बीएसएल लेवल एट एट फोर्टी नाइन इज एट दी टॉप तो ये बी एस एल लाइन एक डायनेमिक लाइन है जहां से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट है तो मॉर्निंग आर में अगर जेएसडब्ल्यू का बी एस एल लाइन अगर नीचे था मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा था और अगर उसके बाद अगर बी एस एल लाइन ऊपर के साइड पे शिफ्ट होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है मतलब यहाँ से पोजिशन स्क्वेर ऑफ हो सकती है या फर्दर अप मूव के लिए फिर एक बार बिल्टअ अप हो सकता है बट हमेशा अगर एक रैली के बाद अगर बी एस एल लाइन शिफ्ट होती है तो आपको एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप आपका ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं या बेसिकली आप आपकी जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकते हैं टुवर्ड टूअर्ड नेक्स्ट स्विंग लो या एज पर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल

फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफ व्यू क्योंकि ये आपको ये कि पे या है। तो जैसे आप देख सकते हो चार्टे ऑप्शन हाँ करने के लिए चेकबॉक्स पर दोनों भी लेवल प्लॉट कर सकते हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे ऑप्शन लेवल समझ रहे तो जैसे आपको पता है फर्स्ट लेवल है आपका मैक्स कॉल ओवाई लेवल तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन एंड टू लिखा हुआ है नियर टू दी मैक्स कॉल ओआई वन एंड मैक्स कॉल ओआई टू तो ये होता है आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल एंड सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज इज दी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस इज एट फिफ्टी जो यहाँ पे आपको मैक्स कॉल ओआर लेवल ये दर्शाएगा कि कहाँ पे हाइएस्ट कॉल राइटिंग है तो अगर कॉल राइटिंग हाएस्ट है इसका मतलब है यहाँ पे जो व्यू है वो बेरिश है ऑन द मार्केट एंड सेम वेज आप देख सकते हो यहां पे रेजिस्टेंस ले लेता है स्टॉक आफ्टर एन इनिशियल अप तो मैक्स कॉल ओआर लेवल आपको समझाएगा कि कहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटिंग लेवल्स है सेम वे उसका अपोजिट होता है मैक्स पुट ओवाई लेवल जहां पे पुट राइटर्स प्रेजेंट है तो पुट राइटर्स आपको बेसिकली यहां पे यह बता गया कि यहां पे बुलिशनेस है तो ये पुट राइटिंग लेवल है मतलब यहाँ पे पुट बेचे गए अगर यहाँ पे पुट बेचे गए मतलब इनका व्यू जो है वो बुलिश ऑन द मार्केट है सो दिस विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट बट सेम वेज यहाँ पे अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो फॉलो थ्रू आपको ऑफ भी देखने मिल सकता है सो मैक्स कॉल ओवाई लेवल आपका कॉल राइटिंग का जोन है मैक्स पुट ओवाई लेवल आपका पुट राइटिंग का जोन है मैक्स पुट ओवर लेवल बेसिकली एक बुलिस जोन हो जाएगा दैट इज वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट सेल किए गए इसलिए वहां से मार्केट टर्न अप इसलिए वहां से मार्केट रिवर्सल या बेसिकली एक अपटिक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है बट

इफ यू आर एन ऑप्शन बायर अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो या ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग इज मैक्स कॉल ओ वाई एंड मैक्स पुट ओ लेवल ऑल्सो ये जो ऑप्शन लेवल्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ट्रेड करने के लिए दैट इज इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें ऑप्शन डेटा समझना बहुत नेसेसरी है और अगर आपको बिफोर द मार्केट आर से पता चले कि निफ्टी का अपकमिंग रेजिस्टेंस कौन सा है या निफ्टी का अपकमिंग सपोर्ट कौन सा है तो बहुत बढ़िया हो जाता है तो आपको और भी अच्छा बढ़ जाता है है आपके करने के के लिए तो के साथ आपको बेसिकली एक लेवल अप ट्रेडिंग मिल जाती है जो जैसे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया निफ्टी ट्वेंटी है मतलब यहाँ पे हाइस्ट क्वांटिटी में कॉल बेचे गए अगर यहां पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग दी मार्केट जैसे आज मार्केट स्टार्ट होता है जैसे ही मैक्स कॉल ओआई पे प्राइस वन वे जाने के बाद यहाँ पे एक हर्डल फेस होता है नियर दी कॉल ओआईन और आप देख सकते हो फॉलो थ्रू आपको एक ड्रॉप डाउन देखने मिल सकता है और निफ्टी एंड फर्दर फर्दर आप देख सकते हो और एक फॉल आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवाई लेवल से ही आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर लेवल्स तो ये थे आपके ऑप्शन लेवल जो आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आपको ट्रेड ट्रेडलू के चार्ट पे मिल जाएंगे फॉर स्टॉक्स एज वेल एज फॉर इंडेक्स सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवल्स आते हैं आपके बी एस जेड जोन सो दैट इज दायर बायर्स

So ये जो बायर सेलर जोन है ये आपको सिर्फ स्टॉक्स पे मिलेगा तो अगर मुझे देखना है कि कौन से स्टॉक्स पे रेड एंड ग्रीन बैंड्स प्रेजेंट है तो बायर सेलर जोन का मतलब होता है रेड एंड ग्रीन बैंड्स तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है आफ्टर मार्केट पे आफ्टर मार्केट पे क्लिक करने के बाद आप रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करें उसके बाद आपको सारे जो स्टॉक्स है ऑल सेगमेंट अगर आप देखते हो तो निफ्टी फाइव के स्टॉक्स अगर मुझे सिर्फ एफ सेगमेंट में टारगेट करना है तो बेसिकली ये सारे स्टॉक्स पे आज रेड एंड ग्रीन बैंड अपडेटेड हुए थे तो चलिए देखते कौन से स्टॉक्स में रेड एंड ग्रीन बैंड

फ्यू स्टॉक्स में आएगा बट जो भी स्टॉक्स में रहेगा उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है फॉर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीएल बैंक बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आपको पता चल गया था कि यहां पे सेलर जोन है अगर ये बेसिकली प्राइस रेड बैंड के ऊपर ब्रेक कर जाता है तो नो no डाउट हमारा जो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के साथ यहाँ पे सेलर ट्रैप हो जाएगी और फॉलो थ्रू आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने मिल जाती है इन डिटेल एग्जीक्यूशन हम समझेंगे हमारे एग्जीक्यूशन के वीडियोज में यही सीरीज में फॉलोअप आपको वो वीडियो मिल जाएगी सेम वेज रेड बैंड आपको ये दर्शाएगी के कोई भी स्ट्रक्चर पे कि कहां पे सेलिंग जोन है ग्रीन बैंड आपको यह बताएगा कि कहां पे बाइंग जोन है तो रेड बैंड जैसे आप देख सकते हो अगर प्राइस वन वे पे ऊपर जा रही है तो यहाँ पे रेड बैंड पे हर्डल बन जाएगा सकते हो तो अगर बायर्स हेवी क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो यहाँ पे बाइंग जोन भी क्रिएट हो जाएगा, starts, आप हो. तो हो जाएगा. So ये थे आपके तीन टाइप ऑफ लेवल्स टेक्निकल ऑप्शन एंड बायर सेलर जोन जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए स्पेशली ब्रेकआउट एंड ट्रेडिंग के लिए यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर योर इंटरप एंड सिमिलर फॉर्मेट के साथ हम स्विंग ट्रेडिंग जब समझे गए तभी ये लेवल भी कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज होते हैं वो भी हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी टिल्ड्रेन स्टे कनेक्टेड ऑन दिस वीडियो सीरीज फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू